कई लोग पैदाइशी टैलेंटेड होते हैं। मुझे नहीं ऐसा लगता कि आई वॉज अ बॉर्न शेफ, मैंने बहुत रियाज किया और उसके बाद आज मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ अपने आर्ट को, अपने ट्रेड को लेकर। लेकिन कई ऐसे होते हैं जिनके अंदर बहुत ही कम उम्र में एक चार्म होता है, एक टैलेंट होता है, जिस तरह की आज की हमारी जो गेस्ट है। आज की जो हमारी गेस्ट है, उन्होंने अपना सिंगिंग का करियर 4 साल की उम्र में शुरू किया। जस्ट इमेजिन दैट, अंजलि मूवी से, जहां पर उन्होंने अंजलि 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 मेरी आंखों का तारा अंजलि वो गाया था, और 12 साल की उम्र में उन्होंने मोहब्बतें फिल्म के सारे गाने गाए। आई थिंक इट्स अ बिग अचीवमेंट। लेट्स नॉट वेस्ट एनी मोर टाइम एंड इनवाइट द एक्सट्रीमली टैलेंटेड श्वेता पंडित। हाय श्वेता। हेलो, thank so you so nice much for having you. Me thank no, you no so the honor is on mine. I'm so excited because आपको खाने का शौक है? मुझे खाने का शौक है। आई आई कम ऑन द अदर साइड। सबसे पहले वी स्टार्ट विद द बिरयानी राइस। वी टेक सम ऑयल। Not olive oil. No, this is regular oil. Okay. हम लोग बिरयानी का झोल बनाएंगे। जैसे बिरयानी के अंदर जब आप वेज बिरयानी बनाते हैं तो दही, पुदीना, मिर्ची, मसाले, अनियन, अदरक, लहसुन सब मिलाते हैं, उसको पकाते हैं, जो उसका जो रस निकलता है right. उसे कहते हैं झोल। तो बिकॉज इसके अंदर हम कोई सब्जी या मीट नहीं डाल रहे, इसका झोल हम प्लेन झोल बनाएंगे विद योगर्ट। Yeah. All of it. ये पूरा लग जाएगा। Okay. Okay. अब दही के बाद अदरक लहसुन पेस्ट। अदरक मैं बताती हूँ, ये है। और लहसुन पेस्ट। लहसुन पेस्ट एब्सोल्युटली करें। अदरक और लहसुन दोनों मिले हुए हैं। वन बिग स्पून, वन स्पून सारा नहीं डालना। यूज दिस या लिटिल मोर। ओके, व्हाट इज मोर अम्यूजिंग, कुकिंग और मी? You. Or cooking with me. I think this you. Okay. Next. Next is some green chilies. We'll just drop. Okay. Now we'll add some mint leaves. Ye na? Malum to hai. So let's put it down and start plucking out the leaves. You can do that for me? Sure. Yep. Actually, it's quite interesting. It's quite simple. Yep. You want to change professions? Nahin. Because I don't want you to start thinking. Main school mein gaata tha, I remember. Okay. I used to sing and group mein. Competitions mein. Hamesha group singing. Okay. Because group singing badi asaan hoti thi. Haan, chup jaati awaaz. Haan. I used to do that. Nice. I was very shy then. So okay. I couldn't help it. So mujhe, aur meri height bhi choti thi. So mujhe sabse aage khada kar dete the. Quickly, we've got some brown onions. Right. Right there. Yeah. So basically, हमने क्या किया? ये burnt है? नहीं, brown है. अच्छा. These are brown. These are not burnt. I'm getting अच्छा, it. This no, is you, a you don't leave. Appetizer. मतलब she won't leave an opportunity to pull my leg in front of national media. Okay. That's the burnt color, right? Black. This is brown. Like a brown, B-R-O-W-N. That was my bad, I'm sorry. It was just fried. Brown girl in fried, the rain, brown. Fried onion. Excellent. Okay. So let me just say it again. I'll do that again, actually. So. Can you pass me the fried onion? That's the name? These are the fried onions. Thank you, Ray. Thank you, all of it. Okay. Thank you. Aaj meri vocabulary better ho gayi. Very nice. मैं आपसे मिला, मैं मेरी right. It's my privilege. So we've done that. Now we'll go on to masalas. I love these masale dabbe. You do? All right. I'm adding some haldi. Haldi. So haldi thoda zyada because we need a little yellowish look. I'm adding some red chili powder. Swad anusar type. I've got dhania powder which is very optional. अब इसके अंदर
जो हमारे खड़े मसाले हैं, लाइक होल स्पाइसेस इज व्हाट वी पुट, ठीक है? आई नो व्हाट दिस इज बट आई डोंट नो द नेम बिकॉज़ दिस इज समथिंग आई ऑलवेज रिमूव फ्रॉम माय फूड. आर यू इंसल्टिंग सिनेमन? सिनेमन, सिनेमन सुना तो होगा, नाम तो सुना होगा. हिंदी में, ऑफ कोर्स हिंदी में नाम बताओ. ऑफ कोर्स आई लाइक दैट कॉन्फिडेंस. ऑफ कोर्स सिनेमन का हिंदी में होती है, हिंदी हिंदी में मिलता है. सिनेमन हिंदी में ऐसे आपने ना बहुत सबके सामने आप ऐसे कर रहे हो. अच्छा दालचीनी, अच्छा दालचीनी ठीक है. ये वो है इलायची. इंग्लिश कार्डमम. फिर ये है दिस ग्रास हॉपर. आई हैवंट सीन जावित्री. आई गॉट सम लॉन्ग लॉन्ग इंग्लिश. इंग्लिश क्या है? शाही जीरा वहाँ पर है. शाही जीरा ये पतला और थोड़ा ब्लैक होता है. एंड इट हैज अ वेरी डिफरेंट फ्लेवर. आई लव दिस. ऑलराइट सो वी विल मिक्स दिस. वी हैवंट एडेड सॉल्ट सो आई विल ऐड सम सॉल्ट. स्वाद अनुसार, स्वाद अनुसार टाइप्स. What we need to do is carefully because ये splatter करेगा. Okay. So carefully. Nice. I've never cooked dahi like this. I could not imagine dahi being cooked. Have you ever cooked? You can teach me to sing maybe. आप सीखना चाहते हैं गाना? I can give it a shot though. मेरी आवाज कुछ खास अच्छी नहीं है. थोड़ा कुछ सुर तो लगाइए. सारेगा मा. सा. रे रे गा मा नहीं मा 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 पा. खाना वो बोल रहा है मेरे गाने पे. तो ओके सारे गा मा पा धनी सा. सारे गा मा पा धनी सा. सारे सा नि द ग रे. सारे सा नि द ग रे ग प द प म ग रे सा नि नि द द प प म म रे ग रे ग म प द प म ग म नि द प म ग रे प. सारे सा नि द ग. ब्यूटीफुल वॉइस. आई हैव टू डू दिस. ओके अगले स्टेप में राइस डालना है, ठीक है? लेट्स डू इट. आई थिंक इट्स ग्रेट. जो दही था वो पक गया है. सो इफ यू सी दिस स्पेक्स ऑफ ऑयल, तेल बाहर आ गया, इसका मतलब मसाले पक गए, रेडी हो चुका है. So, ये जो राइस है ये इंडिया गेट बासमती राइस का क्लासिक कैटेगरी है. Okay. Which has been aged for 2 years. On an average, अगर आप regular unaged 1 kg राइस लेते हैं, and you were to cook, you'll get approximately 10 plates of the rice. Whereas, 2 साल का एज किया हुआ राइस will give you about 13 plates. जो yield है वो ज्यादा है. Wow. Thanks for this info. I'll add some water. इसके अंदर हम थोड़ा सा केवड़ा डालें. Mix gently. All right. So, हमारी बिरयानी लो आंच पर पक रही है. ढक दिया हमने. अब हम स्टार्ट करेंगे हमारा पनीर खुबानी. अगेन अ वेरी सिंपल डिश, कंप्लीटली दूध में बनेगी. सो वी हैव सम मिल्क. अब हम इस दूध को बॉइल करेंगे. एंड एज इट इज बॉइलिंग हम डालेंगे इसके अंदर प्याज. दूध में प्याज? Yes. Okay. I can give you my shades if you want. You look cooler like that. This won't help. I was trying some protection. Try happens. This. Try, try, try. You, oh, can you slice onions? I was dreading this. I can. You want a smaller knife? Mm-hmm. It has to be even, na? Even. Like. Even up, yeah. Uh-huh, even. Woo! I did it. Yeah, evenly cut. Correct, right? Very good cut. Very nice. This is recipe mein farak nahi padta, even kaato or kaato kyunki sabne pure hota hai. Recipe bhi kaat ke daal sakte ho. Inne ko. Wo bolna hi to hai. Iske andar ab hum dalenge shahi jeera. Okay. Here you go. Ek chota piece cinnamon. Cardamom. So it is coming to a boil. Quickly we'll add cashew nuts. जो मेन बाइंडिंग है, थिकनिंग है करी का, वो कैशू नट होगा. देन इसके अंदर हम गार्लिक डालेंगे, थोड़ी जिंजर, लाइक वाओ,
जिंजर, ग्रीन चिली मे बी वन एंड सम रेड चिली पाउडर. लेट्स मिक्स दिस. इसके अंदर हम डालेंगे थोड़ी सी सौंफ और स्टार एनिस. सो वी विल ऐड अबाउट वन और टू, नॉट मच. इसमें जावित्री डालेंगे. ओके, सौंफ डालेंगे. अब इसको हल्की आंच पे रख के हम लोग पकने देंगे जब तक कि अनियन टेंडर ना हो जाए, मसाले अपना रस ना छोड़ दें और काजू है वो टेंडर ना हो जाए. एक बार टेंडर हो जाएगा फिर इसको पीसेंगे और दोबारा से पकाएंगे. राइट नाउ इट विल बी मोर रॉ अनियन एंड गार्लिक, लेकिन पकने के बाद ये बहुत ही अच्छी मखमली शीन वाली एक करी बनेगी. और इसका वॉल्व शट सो दैट ये स्टीम में पके. इसको हम एक तरफ कर देते हैं और बिरयानी को देखते हैं उसका क्या हाल है. वाओ, लुक्स लाइक इट्स डन. सो ये पतला चम्मच उल्टा. सो दिस इज डन. व्हाट वी विल डू इज वी विल जस्ट प्लेट इट आउट. Take some coriander. We'll just drop some of them. All right, so this is ready. Okay. Can you place it onto the yellow table? Absolutely. Perfect. On the yellow table. She's such a talented girl. She's in my kitchen and she's teaching me how to sing. And he's teaching me how to cook. Absolutely. That's a great jugalbandi. The rice is onto the yellow table. Mm-hmm. The curry is simmering away. I think it's time we take a break and come right back to my yellow table.